अस्सलाम वालेकुम राइज एंड शाइन पाकिस्तान, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी प्यारी जगह कौन सी है। ये इतनी प्यारी जगह कॉम्प्लेक्स है और कुछ नहीं, यहाँ के एबटाबाद का कौन सा सरकारी एबटाबाद का सरकारी अस्पताल। तो भाई आज हम इधर आए हैं ओपीडी चेकअप के लिए, क्योंकि पेशावर जाने के दिन करीब आ गए हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मेंटली और फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना था, तो मेंटली तो कर रहे हैं। आधा लाख रुपए आज बैंक में जमा करा के आई हूँ, आधा लाख, घर जा के स्लिप दिखाऊंगी। और अब मैं ओपीडी अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने आई हूँ, मेरी आँखें ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हो गया मेरी आईज को, इतनी ज़्यादा रेडनेस वगैरह हो रही है। तो अभी हम ओपीडी जा रहे हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है। इन लोगों को देख के कभी कभी मेरे दिल को तसल्ली होती है कि सिर्फ मैं बीमार नहीं होती, दुनिया में बहुत ऐसी मखलूक है जो बीमार होती है। मैं तो फिर कभी कभी आती हूँ। अभी मैं माशाल्लाह से इस दफ़ा तो मैंने इतना लंबा चलाया है ना, मैं पूरे 3 महीने के बाद अस्पताल आई हूँ। 3 महीने के बाद ये सेकेंड फ्लोर पर जाना है और वहाँ से ट्रीटमेंट लेके एंड ब्ला 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 ब्ला। ज़रा इस बच्चे की खुशियाँ चेक करो, कितना क्यूट है, कितने मज़े से आ रहा है। माशाल्लाह मखलूक है, खुदा तो ऐसे आई हुई है कि जैसे कसम से मुफ्त का लंगर है और मैं भी इस लंगर को खाने आई हूँ। माशाल्लाह चेक करो, अभी तो जिस वार्ड में मैं जाऊँगी तो फिर देखना। ये मेरी बच्ची आ गई और लाइन में मेरी बहन खड़ी है। मेरे सारे हिस्से के काम यही करती है, बच्ची भी यही इसी ने लिया। मैं मसरूफ थी अपनी दोस्त को सरप्राइज देना था, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है कसम से। ये देखो मेरा दुख, मेरी तो आई स्वेल हो गई है यार, दिन तो हा हो गई है जी, सॉरी मेडिसिन। ओह माई गॉड, और ग्लासेस तो रेगुलर खेलती है, ये क्या तरीका। मेरी हेल्थ के लिए दुआ करो यार। व्हेन यू वांट टू सरप्राइज योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड सरप्राइजेस यू, मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई हूँ। ओपीडी तो होगी ख़त्म और अब हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं प्राइवेट वार्ड में। उसने हमें कहा था कि भाई अगर मेरी ओपीडी ख़त्म होगी तो मैं इधर हूँगा, और ये हॉस्पिटल का वो कोना है ना जिस पर मैं कसम से कभी नहीं आई, जबकि मैं रहती एबटाबाद में हूँ। ऐसे मैं वैसे भी हॉस्पिटल कभी नहीं आई, ये तो मैं आज पहली दूसरी दफ़ा आ रही हूँ। शायद वो सर्जिकल है, किस साइड जाना है आई डोंट नो। फिर घूम घाम के मुझसे रास्ते पे आ गए, पहले हम उस पर मुड़े थे और अब हम इस पर मुड़ेंगे दाहिने हाथ पे। जो दाहिना हाथ होता है ना वही सही हाथ होता है, उस पर जाना चाहिए। अब हम उस पर जा रहे हैं। फाइनली हमें ये वार्ड मिल गया और एक और बंदा हमारे साथ है जो खबर हो रहा है वो, और हम लोग कहीं से मिल मिला के फिर मिल जाते हैं आपस में। वो कहीं और जाता है मुड़ के, अभी हमें पता चला कि यहाँ पे मेडिकल सी वार्ड। हम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हवारी के बाद हम लोग को मिल गया डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर ना मिला जिसके पीछे अखबार की, लेकिन फाइनली एक डॉक्टर था उसने चेकअप कर लिया एंड यस नाउ वी आर गोइंग बैक। अब जाना किधर है अब ये बता। कैंटीन वो लिखा हुआ है, अब देखते कैंटीन किधर है। मुझे लगता नहीं है वो इधर। कैंटीन ढूंढने का तरीका वल्लाह खैर राज़िकी। खान कॉम्प्लेक्स मेरे साथ घूम के कैसा महसूस हो रहा है? अस्पताल में डेट आपको कैसी लग रही है? अस्पताल की डेट तो बहुत ही मजेदार है। ऑसम। कबाब में हड्डी भी है। नहीं नहीं तू किधर हड्डी है यार, तू तो हड्डी नहीं है। अबे तू तो अपना हड्डी है, तू तो सोर्स है मिलाने वाला बंदा। नहीं जी, ये सारा मेरा प्लान था। जबरदस्ती मिलाएंगे फिर हॉस्पिटल ड्रामे बाद आएंगे। तो मैं हॉस्पिटल ही आना चाह रही थी ना, तो मैं हॉस्पिटल इसीलिए आई हूं कि मैं खान को सरप्राइज दूंगी। मैं अच्छा मैं मुझे तुझे सरप्राइज देना था और तूने मुझे सरप्राइज दे दिया। तेरा सरप्राइज कभी हो ही नहीं सकता। मेरा सरप्राइज वाकई मेरे सरप्राइज में मेरा गन भी होता है। तेरे सरप्राइज में तुझे ही सरप्राइज मिलता है। नहीं अगले बंदे को भी मिलता है घर पे ताला। सही तरीके से कॉम्प्लेक्स को गन के बाद हम फाइनली खाने पीने पे आए हैं। अपनी मैं अपनी जानू से मुलाकातें ऐसी ही होती हैं लेकिन हो जाती है। हम खाते हैं पीते हैं थोड़े से मजे करते हैं, इसको आगे सटाते हैं और बस बस। पर पता नहीं क्या करना है, लेकिन फिलहाल खाने पे फोकस करना है। रबा खाना आजा, खाना मरीजों का खाना नहीं खाया जा रहा। और यार खाया अपने घर से मैं प्रैंक हो गया। डाइट वाला खाना, डाइट वाला इतना सब मरीजों में ना जिसकी इनका आ नहीं है, ये जिससे थोड़ी सी फील आ रही है पाकिस्तान मरीजों में। शुक्र है भैया हॉस्पिटल में खुली हुई नहीं थी। ये डाल डाल के खा लिया आप रोटी आपकी। शदीद मरीजों का कारण हमारी डेट खराब हुई। जोई तो मुझे कहाँ पे लेके आई है डेट पे? यही जगह मिली सरप्राइज देने आई।
मुझे शौक है हॉस्पिटल का खाना खाने का ना। कहा शॉर्ट होगी ना, मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी। तो जब मैं शॉर्ट नहीं शाटिका करती हूँ सब कैंटीन से हम के लाए वाला मेडिसिन लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम ये लॉन में दो चार पिक्चर्स लेंगे। दो चार पिक्चर खुशी थी मरीज वाले की, भूल गए कि दवाइयाँ भी। सच में खाने के पीछे ऐसे भागे पास से फार्मेसी छोड़ के हम लोग कैंटीन ढूंढ रहे थे। तीन तीन फ्लोर्स छोड़ के हमें आखिरी में हॉस्पिटल से बाहर निकल के कैंटीन मिले। और बस इस बार गार्डन कुछ भी नहीं हुआ, मरीजों का खाना खा के चाट मसाला डाल डाल के पास वो चाट मसाला भी बड़ा बेकार था। चलो खैर कल सही, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जा बात की क्लास से बात। बस हम चले गए, अब दोस्त को भेज दिया उसकी क्लास से और अब हम भी घर के लिए जाते हैं।